और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भारत को एक अलग मुकाम तक पहुंचा दिया है, जिनके मजबूत हौसले और निर्णायक फैसले की वजह से किस तरीके से पूरी दुनिया में भारत की छवि बदली हमने देखा है। आज पीएम मोदी 70 साल के हो चुके हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वडनगर का एक बेटा कैसे देश के पीएम की कुर्सी तक जा पहुंचा? देखिए मेकिंग ऑफ मोदी की रिपोर्ट। मेरे बचपन की मजाक उड़ा रहे हैं मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मैं कान खोल करके सुन ले, हमने चाय बेची है इसका गर्व है, लेकिन हमने देश बेचने का पाप नहीं किया। हिंदुस्तान यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सवा सौ करोड़ की आबादी वाले इस देश का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ किस्मत के बूते संभव नहीं। इस पद पर पहुंचने के पीछे होती है ऐसी मेहनत जिसका कोई मुकाबला नहीं। ऐसी इच्छा शक्ति जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दुश्मन हो जा खबरदार। ऐसा जज्बा जो पूरे देश की नब्ज पर हाथ रख सके, सबको साथ लेकर चल पाए। तभी कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन पाता है, तभी कोई मोदी बन पाता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ था। 1950 में मोदी ने गुजरात के वडनगर के ऐसे परिवार में जन्म लिया था जहां ऊंचे सपने देखने की भी एक हद थी। बमुश्किल घर का खर्च चल पाता था। घर में माँ हीराबेन और पिता मूलचंद दामोदर दास मोदी ने कभी नहीं सोचा था कि अपना नरिया यानी नरेंद्र भी कभी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन नरेंद्र की आंखों में बचपन से ही कुछ बड़ा करने का जुनून था। ये दुबला पतला लड़का हमेशा अपने विचारों की दुनिया में खोया खोया सा रहता। मोदी कहते हैं कि ये वो वक्त था जब माँ बस इतना भर सोचती थी कि जब बेटे को पढ़ने लिखने के बाद छोटी मोटी नौकरी लग जाएगी तो पूरे गांव का मुंह मीठा कराऊंगी। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती। नरेंद्र मोदी जब 6 साल के थे तभी से पढ़ाई के साथ ही पिता के काम में हाथ बटाते थे। पिता की वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। मोदी भी दूसरे भाइयों के साथ यहाँ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। जैसे ही कोई ट्रेन आकर रुकती मोदी दौड़ने लगते। ये वो दौर था जब मोदी का दुनियादारी से पहला परिचय हुआ। पिता दामोदर दास मोदी पर कुल 6 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। गृहस्थी की गाड़ी बमुश्किल चल पा रही थी। मोदी 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। 2 बड़े भाई सोम मोदी और अमृत मोदी थे, फिर नरेंद्र मोदी। घर में मोदी से छोटी बहन वसंती और 2 छोटे भाई प्रहलाद और पंकज मोदी थे। पिता की सुबह से देर शाम तक कड़ी मेहनत के बावजूद घर का खर्च चलना आसान नहीं था। इसके लिए माँ हीराबेन को भी काम करना पड़ा। दूसरों के घरों के बर्तन तक मांजने पड़े। अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके पानी भर के हमें संस्कारित करने का। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना।
माँ को लेकर इसीलिए मोदी का लगाव आज भी बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का मलाल है कि माँ जब दिल्ली में कुछ दिनों के लिए पीएम आवास पर आईं, तो व्यस्तता की वजह से उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। जैसे मेरी माँ मुझे कहता है, भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती है, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। दरअसल मोदी पर माँ का गहरा असर है। बचपन भले ही गरीबी के बीच बीता, लेकिन माँ और पिता ने बच्चों को पारिवारिक और सामाजिक संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वडनगर से थोड़ी ही दूरी पर मेहसाना स्टेशन था। मोदी जब थोड़े बड़े हुए तो वहाँ जाते थे। एक बार वहाँ सेना की वर्दी में जवानों को देखा तो मन को खुशी हुई। उनका मन फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने का हुआ। मोदी ने तब सैनिक स्कूल में भर्ती होने के बारे में भी सोचा, स्कूल के बारे में पता लगाने की कोशिश भी की। जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता था। मोदी स्कूल के दिनों में एनसीसी में बेहद सक्रिय रहते थे। देश सेवा का हर जज्बा उन्हें प्रेरणा से भर देता था। स्कूल में जब भी वीर रस से भरे नाटक होते, मोदी उसमें जरूर हिस्सा लेते। वडनगर में भागवताचार्य नारायणचार्य हाईस्कूल जेनु शॉर्ट नाम से बीएन हाईस्कूल, एमां अमे बधा भणता एना वार्षिक उत्सव में नरेन्द्र भाई भाग लीधेलो। अने नरेन्द्र भाई जोगीदास खुमाण नो पात्र भजवेलो। मोदी चाहते थे कि सेना में शामिल हूँ, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हुआ। मन के अंदर एक बेचैनी सी थी कि एक ऐसी राह चुननी है जिस पर आगे बढ़कर पूरा जीवन देश के लिए लगा दूं। अपने विचार और काम को लेकर उनका जुनून सबको प्रभावित करता था। वो जब सीएम थे ना, तो कभी कभी मन में आ जाता था, नरेंद्र भाई सीएम क्या सच है? सीएम तो बन गए थे, फिर भी कभी कभी बैठे थे अकेले अकेले, सोचते थे कुछ, तो मन में ऐसा हो जाता है ये सच है कि सपना है। मोदी को किताबों से खासा लगाव था। वे वडनगर में घर के आसपास की लाइब्रेरी में अक्सर जाते और नई नई किताबें पढ़ते थे, दुनिया भर के नए विचारों के बारे में जानते समझते थे। ढंग से रहना ये मेरी प्रकृति थी। अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोयला भर देता था, गर्म कोयला, और उसी से कपड़ों को प्रेस करता था। देश हित को अपने हित के ऊपर रखने की पहली सीख मोदी को परिवार में मिली। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। तब मोदी को लगा कि देश सेवा का रास्ता अब दूर नहीं। संघ की शाखा में मोदी ने नेतृत्व के गुर सीखे। देश के लिए हिलोरे ले रही भावनाएं अब उफान मारने लगी थी। छोटे भाई प्रहलाद मोदी बताते हैं कि 1970 में नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया था। माता पिता से कहा कि मुझे देश की सेवा करनी है। घर में लोगों को इसका दुख तो हुआ, लेकिन किसी ने रास्ता नहीं रोका। मोदी परिवार के माया मोह से दूर अब देश सेवा का व्रत ले चुके थे। इस बीच मन में संन्यास का भाव भी मजबूत हो रहा था। नई मंजिल की खोज में मोदी ने हिमालय की खाक छानी, देश भर में घूमे, पूरे भारत को करीब से देखा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा भी की। रामकृष्ण मिशन के संपर्क में इसी दौरान आए। भीतर मन में था तो मैं रामकृष्ण मिशन में चला गया। एक स्वामी आत्मस्थानंद जी हुआ करते थे, तो वो बड़ा बहुत मुझे प्यार करते थे, समझाते थे जिंदगी क्या है, टिकना क्या है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में कुछ समय रखते थे मुझे। विवेकानंद जी जिस कमरे में रहते थे उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मौका देते थे। आरएसएस के प्रचारक के रूप में मोदी ने राष्ट्रवाद की उस भावना का मतलब समझा जिसके दम पर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हिंदुस्तान एकता की डोर में बंधा है। संघ में रहते हुए मोदी ने कड़े अनुशासन में खुद को ढाला। स्ट्रिक्ट हूँ, डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके अपमानित करके काम नहीं करता, मैं उसको प्रेरित करता हूँ। कभी कोई चीज़ है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोक लेते हो।
मोदी कहते हैं कि लोगों पर दबाव डालकर या नाराजगी जताकर कोई काम करवाना सही तरीका नहीं। इसके लिए मोदी लोगों को प्रेरित करते हैं, खुद ज्यादा काम करते हैं। तो एक प्रकार से एक टीम का स्पिरिट बन जाता है, एक एक वर्क कल्चर आप डेवलप करते हैं। मेरे आसपास में एक वर्क कल्चर डेवलप होता है और वो मैं खुद काम करता रहता हूँ उसके कारण होता है। मोदी ने कभी पीएम बनने के बारे में सोचा तक नहीं था। मोदी कुछ बनने से ज्यादा कुछ करने के बारे में सोचते थे और ये उनका काम ही था कि वडनगर के प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ मोदी का सफर प्रधानमंत्री आवास तक जा पहुंचा। शून्य से शिखर तक पहुंचने का मोदी का सफर इसीलिए देश के आम लोगों को प्रेरित करता है। एक आम इंसान को ऊंचे सपने देखने और कुछ बड़ा करने की सीख देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।